हमीरपुर भर्ती कार्यालय के द्वारा सैनिक सामान्य ड्यूटी की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। भर्ती कार्यालय से भर्ती निदेशक मेजर लिंटो ने बताया कि सैनिक सामान्य की परीक्षा के परिणाम में 810 युवा पास हुए हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं का भर्ती के लिए क्रेज बढ़ रहा है और चुने हुए युवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमीरपुर भर्ती कार्यालय के द्वारा सैनिक सामान्य ड्यूटी की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मेजर लिंटो ने बताया कि सैनिक सामान्य की परीक्षा के परिणाम में 810 युवा पास हुए हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं का भर्ती के लिए क्रेज बढ़ रहा है और चुने हुए युवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 8 मई को हमीरपुर जिला के चयनित युवाओं का दस्तावेज पूरा करने के लिए बुलाया गया है, जबकि 9 मई को बिलासपुर, 10 मई को ऊना के अंब, बगाना, हरोली के अलावा 11 मई को ऊना जिला के बाकी जिला के युवा दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। 28 अप्रैल 2019 को यानी पिछले रविवार को दो ट्रेडों के दैट इज सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम में सोल्जर जीडी के 1677 बच्चे अपियर किए थे और क्लर्क एसकेटी के 115 कैंडिडेट अपियर हुए थे। अभी कल शाम को रिजल्ट आया है सोल्जर जनरल ड्यूटी का, जिसमें 810 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये रीसेंट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर अभी रीसेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये बताता है कि हिमाचल के बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं इस बार एंड उनकी मेहनत रंग लाई है। तो अभी जो प्रक्रिया है, इसके बाद इन बच्चों को जो ये सिलेक्टेड बंदे हैं इनको अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स में भेजे जाएंगे और ये कार्रवाई जून को होगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होते हैं, तो इसलिए हमने डेट्स रखे हुए हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट दिया गया है। जैसे कि 8 मई को हमने हमीरपुर ज़िला के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया है, 9 मई को बिलासपुर ज़िला के बच्चों को बुलाया गया है, 10 मई को ऊना डिस्ट्रिक्ट के अम्ब, बंगाना और हरोली तहसील के उम्मीदवार आएंगे और 11 मई को ऊना डिस्ट्रिक्ट के बाकी जिला के बच्चे मतलब बाकी तहसील के बच्चे आएंगे। तो उस टाइम पर हम उन्हें बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अकॉर्डिंगली ये कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी जून में, ये बच्चे फिर फाइनली अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो और बाकी क्लर्क एसकेटी का रिजल्ट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मई तक आ जाना चाहिए।